बंद करो भाई, बंद करो फोन, झगड़ो कुत्ते के साथ में, छोड़ मारो वो नाला आपको, झगड़ो तेज के साथ में जंजीर डाल के। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'afsir. Allahumma bashir Abdul Rahman. Allahumma inni a'udhu ilayka fi hadhihi. محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا رحيم. हाँ चल रहा बयान कर जल्दी, कहाँ से आया था? शमशान से आया क्या? कोई लाके डाले थे उसके अंग में? अब कौन है तू? औरत आदमी है? हाँ जल दे, कौन है? हाँ कौन है? हाँ जोर से पूरा जला दूंगा तो। कौन है? औरत आदमी है?
कर दूं दो टुकड़े, काट दूं तुझे, काट के ले लूं एक टुकड़ा, ले लूं काट के, जोर से जोर से काट लूं। नहीं ले लेता काट के, दी मुंडी काट के लेके कोण के रख देता उसको बाटल में डाल के। हाँ जोर से बोल, जोर से, हाँ या ना। हाँ कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ कब मारने का था बच्ची को? क्या नाम है इसका? सिमरन। सिमरन को कब मारने का था? हाँ अम्मू शाला पूरी माला कवाही का जीव घेना रोते। काय पढ़ने में दिल दिमाग नहीं लगने तेरा, घर में किरकिरा झगड़े लगा दिए, सब तबाही बर्बादी लगा दिए। हाँ बच्ची की जान कब लेने का है वो? हाँ जोर से, पढ़ाई का मन भी हटा दिया उसका पूरा। कौन है तू? औरत आदमी है मरे आला? हाँ हाथा काट के ले लू तेरे दोनों भी। हाँ जल्दी, हाँ जोर से, जल्दी ला रहे। हाँ मैं बोल रहा, हाँ चल, हाँ बोल। कोनी पाठ भी ले चांग मधी तुला मानू सता ते बाई को होती, अन तुझी ये चिक्का है दुश्मनी, कशा मधी खाओ घात ले होते ते, कशा मधी बोलना तेरे हाथा काट के चला देता, जकड़ो उसके हाथों को तेजी से, हाँ लगा पूरी ताकत, जोर से जोर से, जलाओ उसके हाथों को तेजी से। हाँ अम्मूशाला पूर्णिमाला, हाँ झगड़ लो उसको और तेज, उसी के साथ झगड़ो उसको। कहाँ से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से, शमशान से। हाँ कौन से गांव का शमशान था वो? कौन से गांव का? हाँ कुटल्ला शमशान होता हो, कहाँ का शमशान था? कौन से गांव का? हाँ कहाँ का शमशान? शमशान कहाँ का? जलाओ उसको और तेज़ी से, जलाओ, जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया जब तक उसको जलाते रहो तेज़ी साथ में। कहाँ का शमशान? कौन से गांव का? बंबई का? हाँ परवनी का? औरंगाबाद का? कौन से गांव का? हाँ हाँ कौन सा गांव? कौन सा गांव? विजयपुर। हाँ हाँ जोर से और जोर। सिमरन का क्या ले गए थे जादू चलाते वक्त? क्या लेकर गए थे? केस, कपड़ा, मट्टी, चप्पल, क्या लिए थे? काय 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 क्या और क्या लिए थे? और कौन सा कलर का? लाल कपड़ा कह का था, शर्ट का था, सलवार का था? कितना टाइम हो रहा ली जाके? कितना टाइम हो रहा? कितना टाइम होगा ली जाके? कितना वर्ष हो रहे? कितने वर्ष डाले? सिमरन के पिताजी में भी जाते करे? क्या बोल के करे? क्या बोल के करे? क्या बोल के करे? उसमें पैसा टिकना नहीं, परेशान कर्जे में डूब के खत्म होना, मियां बीवी दोनों लड़ना आपस में, बीवी भी करे छोटे बच्चे, उसके ऊपर क्या बोल के करे? जल्दी टाइम में बंद कर, यहीं पे क्या बोल के करे जादू?
क्या बोल रहा है? और कौन है?
जल्दी बोल। और कौन है? और क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी? पैसे से, पैसे से, पैसे से दुश्मनी। क्या पैसे की दुश्मनी? बंटवारी की थी, जमीन जायदाद कर रहे थे। सही बोलो, कभी चीर दूंगा ना, कभी बताऊंगा तो तोड़ूंगा। हाँ, सुमान को मारने आला है, माँ को कैसे मारने आ लिए? लाओ फुटा के साथ में। हाँ बोल, जल्दी बोल, पूरा दिला दूंगा। हाँ हाँ, कैसे मारने आ लिए माँ को उसके? हाँ लाओ तुझे बाटली में उतार दूँ पकड़ के, तुझे बाटली में डाल दूँ, जमीन में डाल देंगे, हाँ, जमीन में डाल देंगे, तू जमीन में रहना, खाया मत तक, हाँ, डाल देंगे तुझे बाटली में, कहाँ से, कहाँ से बाटली में डाल देंगे, जमीन में डाल देंगे, हाँ, मैं दो टुकड़ा कर देता हूँ, पत्थर लगा के, लगाओ ये पत्थर, दो, बोल अब क्या सुनता है तेरे साथ में? चल तो बता पकड़, जल्दी मुंह मार दो ना, हाथा बहुत ज्यादा आ कर रहे लोगों पे, कमीना सालो। तो बता पकड़ जोर से, मुंह पे हाथा मार के, तो बता पकड़ दे, दोनों हाथा काट दूंगा अभी पत्थर लगा के। जल्दी लगा मुंह, बात नहीं तो अभी लगा रहा पत्थर तुझे, करूं तो टुकड़े, बता पकड़ लो कर। मारो उसको, मारो उसको, सिमरन बचा कितना टाइम बचा था? कैसा मारने का था उसको? कैसा मारने का था? चलो उसको बंधा लो, उसको जंजीरा ला के काट के उसको टुकड़े करेंगे उसके। लगाऊंगी पत्थर, कर दूं तो टुकड़े, लगाऊंगी ये, लगाऊं दोबारा, चलो इसको बंद कर लो, इसको मार मार के इसकी। काट के जमीन में डाल दूं क्या? मुंडी काट के बाहर टांग दूं?
कितने लोग आ रहे हैं गिनती करने का फिर भी बंद कर दिए क्या दुश्मनी तेरी उसके क्या दुश्मनी है क्या दुश्मनी उसकी माँ की तेरी जल्दी बता मैं पहुंच गया मैं पकड़ दूंगा क्या दुश्मनी थी उसकी माँ की क्या दुश्मनी है लगाओ तेरे पेट में से भी आग लगाओ कितने लोगों को मारा अभी तक ऐसा कितने इंसानों को मारा कौन से गांव के क्यों मारो दोनों को अभी तीसरी का शिकार करा क्या करना तेरे साथ सुनो जाना निकाल रहा क्या सुलूक किया जाए तेरे साथ कैसा मारा था जोर से कैसा मारा था क्या करके मारा था बे नहीं बोलने कैसा मारा था सोसाइट में कुदा के मारने कूद के मारा था दस बारह दिन के अंदर मारा अभी दस बार अम्मा से और वो अम्मा को उसको बिल्डिंग पे से कूद के मार सारी तेरी क्या रास्ता नहीं आ गया क्या समझा तू नहीं भी बोला लामक मार मर दे सब बात है कम्बा खा पहले ऑलरेडी दो लोगों को मार दिया बोलते हैं उन्हें बिल्डिंग पे से कूदा कूदा के इस पे पीछे लगाए थे फोन लगाए थे क्या दुश्मनी हो तो नाम आया सामने मगर मुझे क्या पता कौन है क्या सुलूक करना उसके हाथा काट के बाहर टांग देता दोबारा इंसानों को करेगा इंगा सुनूंगा इंसानों को चल तोबा तोबा कर जब तक तोबा नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेगा कितने साल से बच्ची को परेशान कर रहा था ये
मार के लिए जाके इसका शादी करने वाला था क्या? शादी करके इसको रखने वाला था मार के? इसका खून भी पीता तू? खून भी पीता है? रात में आके उसको परेशान भी कर रहा था, सारे दरवाजा पकड़ में आ गए मेरे सामने सब। अमीन है बहुत मनमाना चल रहा था, उसको परेशान कर रहा था रात में से सोने में तरीके से। मारो उसको तेज, जल्दी बोल, छोड़ेंगे एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका चल तो बताओ करे, तुम्हारा कोई इंसान जान बुलाना नहीं। क्या लड़की स्कूल में जाके बोलती थी मेरे साथ ये अंदर का करता था मैं। रात में बिस्तर में परेशान कर रहा था, बीबी बना के रखा था कमरे में, काट दूं क्या? टुकड़े कर दूं क्या? नहीं बेटियों को तो परेशान करता, मेरे हुकूमत का अनुमान ना करता कमीने, काट दूं तेरी सभा, सभा का चल दे, करेगा तुम्हारा परेशान, छेड़ दो लड़की को तुम्हारा। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, देखा ना लोगों को परेशान नहीं करना ऐसा कर परेशान करना। और क्या क्या तकलीफ दे रहा था बच्ची को? मार पड़ी क्या सुख किया जाए तेरे साथ बोल, मैं सोच रहा हूँ बाटल में डाल के जमीन में डाल दूँ, बाटल में डाल के मेरे पास रख दूँ, मटरा कर रहा हूँ छोटे से खुदा के मेरे पास रखता ना तेरे दूसरों के आगे छोड़ता हूँ क्या घूम के मटरा कर फिर जाता मेरे पास में लोगों को नहीं सताएगा भाई ना अक्कल ठिकाने को बाहर बन गया साथियों को भी देखो कहाँ कहाँ है मिला के खिलाई थी औरत ने किस चीज कहने किसका जन्मदिन था माँ को पहले मिला खिलाए थे माँ को कभी खिलाए थे कहीं का खाना था वो जल्दी जा जा चल सीधा सीधा उसको छोड़ के सीधा आजा। अभी देखो एक मौका दे रहा हूँ एक मौका, दूसरे राउंड में तेरे पे फैसला देंगे, दूसरे राउंड में सोचेंगे तेरे पे क्या करना, तो तेरे को काट देना क्या खत्म कर देना क्या मार देना क्या करना, क्या आएगा दोबारा? नहीं।
चल फिर मेरे फौज में शामिल हो जा, हाँ मेरे पास में रहे तो भेजेंगे लोगों को मारने को, बिल्डिंगों पे कुदा कुदा के मार रहा पड़ा तो ठीक है, जा बाहर जा, हाँ जा जा, हाँ चल जा, चल मैं तो अभी कैद करके ले लूंगा, अभी तेरे ताजी से डाल दूंगा, जल्दी निकल, हाँ निकल, क्या कुछ बोलने का है क्या, हाँ हाँ फिर कुछ बोलने का है, कुछ याद आया, हाँ कुछ याद आया, फिर हाथा काट के लो बोल रहा क्या, अच्छा हाथा काट के लो तेरे कितने पे रहम करके छोड़ रहे, फिर क्या खुशी हो रही थी, कुछ थी आजाद कर रहे बोल के खुशी हो रही क्या, अच्छा हाँ चल जा, एक मौका दे रहे बेटे हम सब पे रहम करते हैं, समझा, चल जा, तेरा नाम बोल के जा जाते जाते, क्या क्या है क्या है, हाँ जा रहा, चल जा, चल निकल खिसक जल्दी बाहर, दिल नहीं बोल रहा है ना उसको छोड़ना, हाँ दिल नहीं बोल रहा है ना उसको छोड़ना, सीधा बेच, सीधा बेच, क्या हमारा मेरे तरफ, हाँ सब बलाएं अलग अलग किस्म करते, कुछ बलाएं लगे वाले थे, कुछ लाके लगाए वाले थे, ये जो दास्तान है लाके लगाए वाली है, और इन्हें मारने की सारी दास्तान बयान कर दिया, कैसे मारने तक क्या था, और उसको जो खींच खींच के बुलाती वो अंदर अटके वाली दवा रहती, सबका अलग अलग था, किसी का पहले पार्ट में पकड़ते, किसी का दूसरे राउंड में, किसी का तीसरे राउंड में, और दूसरी बात कि अभी उसको जा बोल रहे थे, उसका दिल दिमाग उसको छोड़ के जाने को नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लेके जाने का वक्त करीब आ गया था, उसका इसी दास्तान है, मगर खैर अमल करके तो उसको तो जकड़ के उसको मार के पूरा भस्म करेंगे, क्योंकि उन्हें वहां जाने के बाद फिर पलट के आ सकता है, उसको दवा वापस खींच के बुला सकती, तो इसीलिए उसको पूरा अमल करा के, अमल के दौरान में उसको जंजीर डाल के जकड़ के उसको बाद में एक मौका तो दे रहे उसको बच के जाने का, नहीं बचा नहीं अगर माना तो फिर उसके बाद में फसल करने की तैयारी करके खत्म करनी है, और उससे पहले उसके अंदर जो दवा अटके ली थी उसको बाहर निकाल के गिराना पड़ता, वो जब निकल के गिरेंगी तो ये सब इसका फ्यूज उड़ जाता, क्योंकि अंदर बैठ के लोक चिमक का काम करती, जैसे लोक चिमक लोहे को कैसा खींचता उसे खींच खींच के बुलाती। खैर बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा, तो अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे, पानी पियो पियो पियो, जाने का इरादा है क्या नहीं तेरा, क्या अब भी कार्रवाई करा दूं, हाथा काट के लेके छोड़ दूं, क्या वैसा बोल आजाद, हाँ ले लूं दोनों हाथा, हाँ वो तो आशी क्या चल रहे, तेरे बाप का राज चल रहा क्या, आशी क्या करने वैसा लोगों के साथ में, अरे छोड़ जल्दी निकल, हाँ जा पकड़ो ये, जा रहा नहीं जा रहा, आ जा जा रास्ता खुला, जा आ जा जा, खैर अल्लाह कहने सुनने अमल करने की तौफीक दे, और ऐसी बात है कि मैं क्या बयान करूँ, दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ हर कोई याद कर सकते, दुआएं याद करो, दुआएं पढ़ो, ये सब तुम्हारी को ये सारे वबाओं से चीजों से महफूज रखते, और इन्हें उसको क्या कर रहा था, बच्ची को बहुत ज्यादा ओवर परेशान कर रहा था, ये पिशाच नामक बला रहती है, खून भी पीती है, लास्ट में मार के साथ में भी लेके चली जाती है पेशेंट को, और उन्हें बयान करा ना सब बातें कि मार के ले जाने वाला था, फिर शादी करके रहने वाला था, फिर उन्हें उसको क्या कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, उसको रात में सोने नहीं देता चैन से पेशेंट को, और खासकर लेडीज को जेंट्स लगाए वाले रखते, वो बहुत ज्यादा परेशान करता, जेंट्स को लेडीज लगाए वाले थे, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ऐसे लगाए वाले रहते, वो उस हिसाब से परेशान करते, वो खुद ब खुद नहीं आते, वो शादी लगा के छोड़ना पड़ता, और शादी लगा के छोड़ते वक्त
बाल भी ले जाते हो बच्चों का जादू करने के लिए, जो भी लेडीज बच्चे आते हैं उनको, और वो इतना परेशान करता होगा आके बच्चियों को औरतों को कि ये बातें बयान नहीं कर सकते उन्हों, और उनके सामने बयान भी कर तो कोई यकीन नहीं मानता है बातें, कैसा फिजिकली कोई किसको टच कर सकता, क्या फेंक रहे होंगे, पागल हो गए होंगे, कुछ भी दिमाग की बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी रहता, मगर ये वाकई में होता। देखे ना सामने बता देना मैं, ये दास्तान है, बहुत सारी बातें हैं तुमको नहीं मालूम, इतने राजा हैं, इतने गहरे गहरे इतनी दास्तान है कि जिसकी हद नहीं। खैर इंशाल्लाह अमल करे तो सब राइट होता, अमल से तो जकड़ के खत्म करते। मैं उसको जाने का हुक्म दिया और अगर वो इज्जत से नहीं गया और घर पे जाने के बाद फिर रिटर्न आया तो फिर उसको अमल के दौरान काट के पसंद करते। अमल के तरीके से फौज जाती, फौज उनकी उनकी ड्यूटी करते, बराबर मारते, जिस तरह उसको यहाँ पकड़ के मार रहे उस तरह फिर वो सब फंदे डाल के खत्म भी तो करते ना। और भी तो बहुत सारी बातें हैं। खैर इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ घर पे? एक बार भी नहीं हाजिर हुआ, एक मौलाना के पास गए थे हम लोग दिखाने, तो पहले एक ही आया और दूसरी बार इसको लेके गया, क्योंकि ये जिसको देखती थी ना इसको उसके पीछे जाती थी, गलती करने का इसकी समझ में आता, तो लेके गए तो उधर रो रही थी ऐसा, तो आकर खूब पलटी कर ली थी ऐसा, तो इतना खुल के नहीं आया था। तो मैं आपका आपका यूट्यूब में देखती थी। तो गए बहुत सारे जगहों पर, गए वहाँ पर हाजिर नहीं हुआ। यहाँ कितनी बार आए तुम? पहली बार। यहाँ पहली बार में चुमके आए, सामने आया पूरा खुलासा और पूरी दास्तान में। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का पहली बार में मैं लाके पूछूं, मैं पहली बार में जो भी मेरे वीडियो रहते जरा गौर से देख लो, इसलिए पूछा था कि जिसके मौत का वक्त बहुत करीब आगे वाला था, जो बलाएं मार के लिए जा रहे। हर चीज पे अल्लाह कादिर है, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती, मौत भी अल्लाह के हुक्म से होती, जानदार भी अल्लाह के हुक्म से जीता सब, लेकिन अल्लाह ने मौत से पहले भी मौत रखा। अकल के अंदो समझो, अगर तुम जान के भी नहीं जानेंगे पढ़ के भी नहीं मानेंगे तो फिर तुम जाहिल करार दिए जाएंगे तुम पर। जाहिल जिनको बोले आला ना, जाहिल किसको बोले आला है? जाहिल अनपढ़ को नहीं बोले आला है, जाहिल पढ़े लिखे को बोले आला, जो जान के भी अनजान बन रहा उसको सब मालूम है फिर भी बोल रहा कि नहीं कुरान में हदीस में अल्लाह रसूल ने बता दिए, फिर भी उन्हें जान के बातों को नहीं मान रहा, तो फिर उसको जाहिल बोले आला इस्लाम ने, वो जाहिल है। और तुम अगर जाहिल ही करेंगे तो किसका कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। तो इसलिए बात याद रखना मेरी, ये जो बलाएं, ये जो वबाएं, ये जो शैतान है, सबसे अल्लाह की पनाह में रहो, दुआ करो, जिक्र अस्कार करो, तो तुम महफूज रहेंगे। इबादत वाहिद ढाल है ये सब चीजों की, और इन सबको मार के खत्म करते। इबादत की तुम्हारे जब तासीर पर दफ्तर तो वो सब चीज नहीं, क्योंकि इबादत करने वालों का निगेबान अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। बस कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। और मैं क्या बोलूं, बार बार एक बात बोलता मैं कि जादूगर जादूगर जादूगरों के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, उनको कुछ नहीं आता, उन उल्टा तुम्हारी जिंदगी सबके तबाह बर्बाद खराब कर देते। अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, और रहमत और अजमत बरस के अल्लाह की, तो तुम पे भी छींटे गिर के तुमको भी फैज मिल जाते। ऐसे बहुत सारी बातें, क्या पता मैं क्या बयान करूँ। चलो ठीक है, रोक दो।